गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अविकारी शब्द यानी अव्यय के भेद। अभी तक हमने इतना जान लिया है कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय जिन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या काल के कारण कोई परिवर्तन उत्पन्न ना हो, जो स्त्री और पुरुष दोनों ही जाति के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उनका प्रयोग एक ही प्रकार से होता है। भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्य काल, कभी भी उनका प्रयोग करने पर कोई अंतर नहीं आए। तो वो शब्द जो लिंग, वचन और काल तीनों से ही परिवर्तित नहीं होते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ हमने लिख रखे हैं अविकारी शब्द के भेद। कुल पाँच भेद होते हैं, पाँच प्रकार होते हैं। संबंध बोधक शुरू करते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और विपाक। तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक ये मिलते जुलते हैं। विस्मयादि बोधक नाम से आप पहचान सकते हो, निपात थोड़ा नया है आपके लिए। क्रिया विशेषण आपने कहीं थोड़ा पढ़ रखा है। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। और इन्हें अव्यय की कैटेगरी में रखा जाता है ग्रुप में। क्यों? क्योंकि इनमें भी लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है। जिसे एक उदाहरण देके बता देते हैं हम। आपने कहा कछुआ धीरे चलता है। यहाँ पर जो धीरे शब्द है वो क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि चलना क्रिया है और उसकी विशेषता है धीरे। अब आप सोचोगे कि इसे क्रिया विशेषण में क्यों रखा है, क्योंकि क्रिया विशेषण को हमने अविकारी में क्यों रखा है, क्योंकि जो ये धीरे शब्द है, जो क्रिया विशेषण है, वो लिंग कर जो वचन है और काल से परिवर्तित नहीं हो रहा है। जैसे कछुआ धीरे चल रहा है, कछुए धीरे चल रहे हैं, एक वो चाहे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कछुआ धीरे चल रहा था, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्रिया विशेषण का काम है कि वो लिंग, वचन, काल से परिवर्तित नहीं हो रहा है और क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो सबसे पहला अविकारी का भेद हुआ क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक होता है किसी का किसी से संबंध बताने वाले शब्द। जैसे मकान के सामने या सड़क के सामने घर है, या घर के सामने सड़क है, और मैदान के पीछे मेरा घर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सड़क के किनारे दुकान है। ठीक, सड़क के किनारे एक दुकान है। अब यहाँ पर जो के किनारे वाला शब्द है, सड़क के किनारे दुकान है। अब यहाँ पर अगर एक के अलावा इस दुकान को ज्यादा भी कर दें, बहुत सारी दुकानें हैं, सड़क के किनारे दुकानें हैं, तो भी के किनारे शब्द वही रहेगा। चाहे एक शब्द का प्रयोग करो, चाहे ज्यादा के लिए प्रयोग करो। हम कहते सड़क के किनारे दुकानें थी, तब भी के किनारे शब्द नहीं बदलेगा। और यहाँ पर सड़क स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आप बोल दो सड़क की जगह आप बोलो मैदान, मैदान सड़क है स्त्रीलिंग शब्द। अगर आप पुल्लिंग लगा दो कि मैदान के किनारे दुकान थी, मैदान के पास, तो मैदान के किनारे, तभी वो चेंज नहीं होगा। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन और काल से ये किनारे शब्द नहीं बदल रहा, के किनारे। और इनकी पहचान होती है के किनारे, के पास, के ऊपर। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। राम और श्याम खेल रहे हैं, सीता और गीता खेल रही हैं, सीता और गीता खेल रही थी। लिंग, वचन, काल, कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें। राम और श्याम, राम और श्याम, यहाँ पर ये और शब्द समुच्चय बोधक है। राम और श्याम खेल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम कर दे सीता और गीता खेल रही हैं, तो और नहीं बदलेगा, चाहे लिंग बदल दिया हो, खेल रहे हैं की जगह रहे थे कर देंगे, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। विस्मयादि बोधक यानी कि हैरानी की बात, विस्मय दर्शाने वाले, शाबाश, शाबाश रवि ने कमाल कर दिया, शाबाश तुमने कमाल कर दिया। अब तुम चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, नहीं फर्क पड़ेगा आपने। और फिर इसके अलावा अगर वो एक वचन के लिए हो चाहे बहुवचन,
शाबाश बच्चों तुमने कमाल कर दिया, तब भी वही रहेगा, शाबाश बच्चे तुमने कमाल कर दिया एक होगा तब भी वही रहेगा, या शाबाश बच्चों ने कमाल कर दिया था या कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो शाबाश शब्द है, शाबाश बच्चों तुमने कमाल कर दिया, तो ये शाबाश शब्द जिसमें आदि बोधक है, तुमने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो ये जो शाबाश शब्द है, चाहे वो स्त्री के लिए उपयोग किया जा रहा हो, चाहे पुरुष के लिए उपयोग किया जाने वाला हो, चाहे एक वचन के लिए हो, चाहे बहुवचन के लिए हो, सबके लिए एक सा रहेगा। फिर बात करते हैं निपात की। तुम भी घर आना, रवि तुम ही घर आना, शीना तुम भी घर आना। तो ये भी और ही शब्द भी सर्वनामिक यहाँ पर अव्यय के भेद कहलाते हैं। जैसे रवि तुम ही घर आना, रवि तुम ही, तो ये ही शब्द को रेखांकित करेंगे, तुम ही घर आना। यहाँ पर रवि पुरुष है, अगर रवि की जगह हम मीना लिखते, मीना तुम ही घर आना, तब भी ही नहीं बदलेगा, रवि तुम ही घर आना या तुम ही घर आए। तो आया हो या आए हो, स्त्री लिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे वचन हो चाहे भूतकाल हो, लिंग वचन काल से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। तो इस प्रकार अविकारी शब्द यानी अव्यय में हमने पांच भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, जिनमें हर एक के अर्थ से हमने आपको परिचित करा दिया। तो कीजिए इनका अभ्यास, टेक्स्ट बुक में आपको इसका फ्लो चार्ट के रूप में दिया गया है, तो आप यहाँ चित्रात्मक रूप में दिया गया है, तो आप भी क्या करेंगे, इसे अपनी नोटबुक में इसी प्रकार लिख लेंगे नामों को और याद करेंगे, साथ में उनके एक एक उदाहरण जो हमने यहाँ लेखबद्ध कराए हैं वो भी कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए और ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि एक बार अगर आप इनसे परिचित हो जाएंगे तो इनसे जुड़े हुए अभ्यास करने में आपको आसानी रहेगी। इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर।